हेलो, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज की जो टॉपिक लेके हम आए हैं आपके सामने वो क्या है? पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो पार्टनरशिप जब फंडामेंटल में है तो इसके बारे में कुछ जानकारी के लिए कुछ मालूम होना चाहिए। पार्टनरशिप में होती क्या चीज़ है? पार्टनरशिप क्या है कि मिनिमम जब भी कोई दो लोग मिलकर कोई वर्क करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पार्टनर। तो इसलिए कंपनी एक्ट में भी पार्टनरशिप के बारे में कहा गया है और पार्टनरशिप एक्ट भी एक अलग से। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से क्या है कि मिनिमम दो और मैक्सिमम 20 मिलके कोई अगर बिजनेस करते हैं तो हमको क्या किस में आते हैं पार्टनर में। इनके बेसिस पे क्या है कि जो सेक्शन 4 के बेसिस पे क्या है कि पार्टनर जो मेन पर्पस क्या होता है, पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मेन पर्पस क्या होता है, उनका बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस बिजनेस को चलाता कौन है, उस बिजनेस को सभी पार्टनर तथा उनके द्वारा कोई भी एक को नियुक्त किया जाता है यानी चयनित होता है, सिलेक्टेड पर्सन होते हैं उसके द्वारा उस बिजनेस को किया जाता है। ये तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे। कंपनी एक्ट 2013 के बेसिस पे भी मिनिमम टू और मैक्सिमम कितने कहा गया है 100, लेकिन अमेंडमेंट और 2014 के बेसिस पे जो पार्टनरशिप कंपनी एक्ट में कहा गया है वो मैक्सिमम कितने कहा गया है 50। अब ये तो पार्टनर्स की बात हो रही है कि पार्टनर्स मिनिमम दो होने चाहिए और मैक्सिमम 20 होते हैं, तो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करते हुए बात करते हैं कि मिनिमम कितना बताया गया है दो और मैक्सिमम कितना 20। इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस की कंडीशन में क्या होगा, इन द केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस में कितने हो सकते हैं 10। अब ये तो ये पार्टनरशिप की हुई। अब पार्टनरशिप में एक बिजनेस है, कोई भी कोई पर्सन जो मिलकर वर्क कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। तब बिजनेस कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होते होंगे। जहां पे अगर ओनली वन पर्सन कोई वर्क कर रहा है तो वहां पे अकेले कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो रही है, तब के लिए उसके लिए कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब भी एक से अधिक दो लोग हो जाते हैं तो जहां पार्टनर होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या होता है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी होता है और रिटर्न में भी। तो यहां पे जो रिटर्न की एग्रीमेंट आती है उसको हम लोग कहते हैं किसको, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या चीज है? पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कोई नेम और बिजनेस होगा, नेम ऑफ द बिजनेस यानी कोई बिजनेस का कोई ना कोई नाम होगा। जब नाम हो रहा है तो नेचुरल सी बात उसका कोई एड्रेस होगा, उसका एड्रेस होता है। जब पार्टनर है तो पार्टनर के भी क्या होंगे, नाम होंगे यानी नेम और पार्टनर होंगे, और फिर क्या होगा पार्टनर्स के एड्रेस होंगे, कौन कौन से पार्टनर, उनका नाम हुआ विद एड्रेस के साथ। अभी तो एड्रेस हो गया, अब उसके बाद फिर क्या होती है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैपिटल की यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो उनकी कैपिटल की क्या होगी। उसके बाद उसकी क्या आती है, जब भी कोई बिजनेस कर रहा तो मेन मोटिव क्या होती है, प्रॉफिट अर्निंग करना यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना है। उसके बाद फिर क्या होती है उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ बिजनेस पे उस पर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, क्या पार्टनर ज्वाइन कर सकता है, कर सकता है तो किस बेसिस पे होगा। तो फिर जब अगर ड्रॉइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी होगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट चार्ज होगा। फिर बिजनेस जब ड्रॉइंग कर रहे हैं तो अब पार्टनर कुछ पार्टनर फील्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ वर्क कुछ लोग ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, तब की कंडीशन में जो फील्ड वर्क कर रहे हैं उनको कमीशन और जो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं जो, तो उनके लिए क्या होती है वहां पे सैलरी, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके बारे में भी रहेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि पार्टनर की जो ट्रीटमेंट होगी, जब भी कोई कौन से अकाउंट के हिसाब से मेंटेन किया जाएगा, किस मेथड को अप्लाई की जाएगी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगी, वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगा या कैलेंडर ईयर के हिसाब से होगी। पार्टनर्स की जो टाइम पीरियड होगी यानी पीरियड क्या होगा, वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, उसके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की क्या होगी, जो उसका गुडविल का कैलकुलेशन होगी कि पार्टनर का वो किस बेसिस पे होगी। उसके अलावा जब ये सब आए तो अब उसके बाद फिर क्या आता है कि उनका बैंक अकाउंट मेंटेन कौन करेगा, क्या उनके बैंक अकाउंट में जो सिग्नेचर होंगे सभी के होंगे या उनके द्वारा चयनित किसी व्यक्ति द्वारा होगा। फिर क्या हो सकता है, अब जब इसके बाद हो गया तो फिर अब कोई पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर का अगर एडमिट करना होगा तब के लिए कौन सी प्रोसीजर अप्लाई की जाएगी, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब के लिए क्या होगा, जब कोई पार्टनर डेथ कर रहा है तब के प्रोसेस में क्या होगी, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो किस फॉर्मेट पे डिसॉल्व होगी। ये सब जितने भी रिटर्न एग्रीमेंट हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बारे में बात है तब की कंडीशन, हर चीजों के बारे में पार्टनरशिप डीड में रिटर्न में लिखा होता है, तो उसको जो हम लोग रिटर्न में लिखे जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अब क्या होती है कि अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में पर डे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ट्रांजेक्शन होते हैं तो नॉर्मल सी चीजें जर्नल एंट्रियां होती होंगी, लेजर होता होगा और फिर टायर बैलेंस होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है।
जब सोल ट्रेडर की बात होती है तब तो सोल ट्रेडर की कंडीशन में, अगर इंडिविजुअली कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तब भी कंडीशन में क्या होगा, केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। कोई भी बिजनेस हो, एक्सपेक्टेड कोई बिजनेस होती है तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो बनता है, लेकिन जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, लेकिन बैलेंस शीट के पहले एक और अकाउंट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बेसिस पे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे किया जाता है। अब इसका नेचर क्या होता है, ये जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट होती है। इसमें भी क्या है कि जितने भी एक्सपेंसेस यानी ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट ऑल इनकम एंड गेन के किसके बेसिस में, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, पार्टनर के नहीं पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे देखा जाता है कि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो डेबिट में होंगे और जितने भी इनकम होंगे वो कहां पे आएंगे, वो क्रेडिट पे आते हैं। अब इसके लिए फॉर्मेट के जो हमने बनाया हुआ है वैसे देखते हैं क्या क्या चीज है इसमें। इसमें क्या होती है, यहाँ पे क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, यानी कैलेंडर ईयर भी हो सकती है और फाइनेंशियल ईयर भी हो सकती है, जो भी ईयर उनके पार्टनरशिप डीड में क्लियर होगा। अब फिर क्या होता है, जो भी प्रॉफिट जो भी ट्रांसफर होती है वो कहां से आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहां से, जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होती है कहां से आती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, तब भी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी दी जा रही है पार्टनर के कैपिटल पे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के होगी जितने ही परसेंट के बेसिस पे दिया जाएगा, वो बिजनेस के पॉइंट से क्या एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस हो तो कहां पे आएगी, वो डेबिट में। पार्टनर को अगर सैलरी दी जा रही है तो पार्टनर को अगर जब सैलरी दी जा रही है तो भी क्या है बिजनेस के पॉइंट से क्या है वो भी एक्सपेंसेस है, तो भी कहां पे आएगा डेबिट साइड में टू पार्टनर सैलरी। अब अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है तो पार्टनर्स कमीशन, अगर प्रॉफिट के एक पार्ट को रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसा उनके पार्टनरशिप डीड में है तब भी कंडीशन में वो रिजर्व में भी जितने अमाउंट ट्रांसफर करनी हो वो परसेंटेज के बेसिस में हो सकती है या एक फिक्स अमाउंट हो सकती है। अब जब पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है तो नेचुरल सी बात है उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कंडीशन होगी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इनकम है, इसलिए क्या होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब ये तो हो गया डेबिट साइड और ये क्या हो जाती है आपकी क्रेडिट साइड होती है। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस हो रही है तो प्रॉफिट आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रही है वो कहां ट्रांसफर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब होती है आगे चलकर हम लोग बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट कब आता है जब कैपिटल फिक्स ना होके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होती है तो कैपिटल अकाउंट में, अगर फिक्स कैपिटल है तो कहां पे जाएगा करंट अकाउंट में। सी अगर डेबिट साइड एक्सेस है तो लॉस ट्रांसफर कहां होगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, ये तो थी हमारी क्या थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट था। अब इसके बेसिस में हम लोग को जनरेटिव कैसे करनी होती है, इसी के बेसिस हम देखते हैं जनरेटिव क्या होगी। अब देखिए क्या होगा, पहली क्या हो रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा था पार्टनर्स मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो एक एंटिटी। सेकेंडली क्या हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है कहां पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड के लिए क्या होगी पार्टनर सैलरी के लिए, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, तो अब यहां पर जनरेटिव क्या हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। अगर पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है तो जब पार्टनर्स को कमीशन दिया जा रहा है तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या होगा पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और फिर यहां पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, अगर रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। सेम उसी हिसाब से अगर ड्रॉइंग हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, जब ड्रॉइंग हो रही है तब क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, और फिर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो रहा है तो भी क्या हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कंडीशन क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। और फिर सेकेंड इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर अब प्रॉफिट हो रही है तो अगर प्रॉफिट हुई तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर लॉस हो रहा है तब की कंडीशन क्या होगा, तब क्या हो जाएगी, ठीक है, तब की कंडीशन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस टाइप से जनरल एंट्री में हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो किसी पैसे से बात करेंगे, जो हम लोग जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएंगी उसके बारे में बात करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।